खातून आपने तो खुद बहुतों को मकबूज करके रखा हुआ है। लगता है तुम भी बड़ी कहानियां और अफसाने पढ़ने लगे हो। अरे इस काम के लिए तो आलम भाई काफी है। खातून ने हर काम का ठेका उठा रखा है क्या? खातून हमारी दौलत पे नागिन पर के तो बैठी भी है। अब्बा हुजूर कर्ज छोड़कर गए थे, खजाने नहीं। अब्बा की मौत की वजह भी खातून है। पर तुम दोनों का कोई चक्कर अक्कर तो नहीं चल रहा है? बड़ी खुली है तो। ओए, ज्यादा बात नहीं। आपको किसने कहा था मेरे पीछे आने को? मेरे दिल ने। आज इस दिल ने मरवा देना था आपको। मेरा दिल ये काम 12 साल पहले ही निपटा चुका है। और इन्हें घर ले जाओ। आलम भाई फिर आप कैसे आएंगे? वो मेरा दोस्त यहाँ करीब ही रहता है तो वो मुझे छोड़ दे। झूठा। मैं झूठा? मेरी मोहब्बत सच्ची। खैरियत है भाई? चांद तू सब कुछ जानता है फिर भी पूछ रहा है। आप भी खैरियत से? मुझे बताए हुआ क्या? जा पहले एक ग्लास पानी लेकर आ फिर बताता हूँ। एक काम कर, दुकान बंद कर दे। क्यों इतनी जल्दी? हाँ पहले ही बहुत देर हो चुकी है। एक बाइक तो मुनीब की है, दूसरी बाइक किसकी है? ये दोनों किसकी स्कूटर लेकर आए हैं?
और ऐसा कौन सा वाकया है जिसका जिक्र घर में करने से खातून मना कर रही है? मुनीब जी, आप ही? तुम खातून के साथ कहां गए थे? घर में इस वाकये का किसी से भी जिक्र मत करना। सब खैरियत तो है? तुम लोग खाने की टेबल पे भी बहुत खामोश थे। हाँ आप ही, वो रानी वाली गाड़ी खराब हो गई थी ना, तो खातून उस्ताद वहीद की वर्कशॉप तक गई थी। उनके फोन की बैटरी भी खत्म हो गई तो मैं उनको लेने गया था। अच्छा, तुम्हारी स्कूटर तो घर पे खड़ी थी, तुम किसकी स्कूटर पर आए हो? वो अपने आलम भाई की। ये आलम अपना कब से हो गया? आप ही, आप अपने काम से काम नहीं रख सकती, हर वक्त किसी ना किसी की जासूसी करनी होती है आपको बस। स्कूटर कहाँ है? तुम्हारी भाभी के पास, मेरा मतलब है वो मुनीब के घर पे। वो सालन जम गया था, मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। मैं रोटी लेके आता हूँ, आज जब तक मुंह धो ले। इधर आ जरा, गले लगता है यार मेरे, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। भाई अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? आखिर ये दोनों ऐसी कौन सी बात है जो छुपा रहे हैं? लाइट बंद करके सो जाओ, रात सोती नहीं सुबह उठती नहीं। कल संडे है। मेरा तो संडे मंडे सब बराबर है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आज खाने की टेबल पर खातून और मुनीब चुप चुप थे, क्यों? महसूस तो मैंने भी किया था। जब आलम का स्कूटर आके रुका तो खातून ने मुनीब से कहा कि इस वाकये का जिक्र किसी से मत कर। तो तुम उस वक्त किधर थी? घर के अंदर, गली की दीवार के बिल्कुल साथ। अच्छा, तो तुम हो वो दीवार जिसके कान भी होते हैं। तुम्हें ये बात मजाक लग रही है? होगी कोई बात, इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है? दोनों आलम के स्कूटर पर घर आए, क्यों? बात तो कोई है, इधर हिना और हरीम की शादी के बारे में सोच रही, उधर खालिदा की उम्र ढलती चली जा रही है। खालिदा के होते हुए मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी के बारे में नहीं सोच रही। आप खातून की शादी कराना चाहती हैं? देखो ये जो दुनिया है ये बिल्ली की तरह, इसलिए हम इंसानों को कबूतर नहीं बनना चाहिए,
नींद नहीं आ रही तो मैं लाइट ऑफ कर दूं? तुम अच्छी तरह से जानते हो ना मुझे रोशनी में भी नींद आ जाती है। तो फिर आप इतनी देर से जाग क्यों रही हैं? इधर हिना और हरीम की शादी के बारे में सोच रही, उधर खालिदा की उम्र ढलती चली जा रही है। खालिदा के होते हुए मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी के बारे में नहीं सोच रही। आप खातून की शादी कराना चाहती हैं? इधर आओ बैठ मेरे पास। मैं हैरान क्यों हो रहे हो उसकी शादी के बारे में सुनकर? अम्मी, मैं खातून को माँ समझता हूँ और उनकी शादी का सुनकर तो मैं हैरत ही होगी ना मुझे। बहुत एहसान है उसके हम खूनी रिश्तों से बढ़कर उसने हमें चाहा, हमारे लिए कुर्बानी दी, हमें पाला है। तुम्हें पता है तुम्हारे चाचा के इंतकाल के बाद वो चाहती तो शादी कर सकती थी, कि नहीं कि उसने सिर्फ और सिर्फ हमारी खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दी है उसने बेटी। आप अपने लिए तो दुआ मांग लेती हैं, खुद के लिए तो सिर्फ मैंने कभी दुआ नहीं मांगी। क्या सोच रहे? आपने मुझे बुलाया था। बड़े हो गए हो तुम, अब बहादुर भी बन जाओ। मैं समझा नहीं खातून। देखो ये जो दुनिया है ये बिल्ली की तरह, इसलिए हम इंसानों को कबूतर नहीं बनना चाहिए। खातून मैं अभी नहीं समझा। देखो मुनीब, तुम मेरे पीछे पुलिस ले आए, ये तुम्हारी अकलमंदी थी, लेकिन तुम पुलिस की मौजूदगी में बच्चों की तरह डर गए, ये बुजदिली थी। जो बंदा दुनिया के डर से आंखें बंद कर लेता है, फिर दुनिया वाले मिलकर उसकी बेनाई छीन लेते हैं। दुनिया के मालिक से डरो, सिर्फ दुनिया वालों से नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारे चाचा के इंतकाल के बाद वो चाहती तो शादी कर सकती थी, कि नहीं कि उसने सिर्फ और सिर्फ हमारी खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दी है उसने बेटा। ये जो दुनिया है ये बिल्ली की तरह, इसलिए हम इंसानों को कबूतर नहीं बनना चाहिए। दुनिया के मालिक से डरो, सिर्फ दुनिया वालों से नहीं।
ये तो तीन लोग थे, के पास गन भी थी, इसके बावजूद भी ये लोग मुझे अकेला देखकर भाग गए, ऐसा क्यों? ये डरपोक है क्या? मैं बुज़दिल था? मैं बताता हूं, आज से पहले तुम मुश्किल को देखकर घबराते थे, अब खातून ने तुम्हें मुश्किलों के सामने डटकर खड़े होने का राज बता दिया है। मुश्किल, मुसीबत और जुल्म को देखकर कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं कर लेते, बल्कि उनका मर्दाना वार मुकाबला करते हैं। खातून, मैं आपके किस किस एहसान का बदला चुकाऊंगा? वो सड़क के पास से गाड़ी गुजर रही थी, उससे पत्थर फिसल कर गेट पे लगा, मुझे लगा इसलिए। तुम्हें लगा कि शौकत, इसलिए तुम? जी, अगर शौकत होता तो तुम क्या कर ले? ये तो नहीं पता कि मैं क्या करता। हाँ, मुझे इतना जरूर पता चल गया है कि मैं कमजोर नहीं हूं। मैं तो चाहती हूँ मुनीब कि तुम इतने मजबूत और ताकतवर बन जाओ कि तुमसे टकराने वाला हर पत्थर खुद ही रेसा रेसा हो जाए। हिना, अपने सब सवालों के साथ अंदर मेरे कमरे में आ जाओ। सवाल तो मेरे पास बहुत है, मगर अम्मा ने कभी पूछने ही नहीं थे। जिस दिन मैंने वो सवाल पूछ लिए, आप सब जवाब भूल जाएंगे। पता नहीं कौन सा भाषण सुनने को मिलेगा। आपकी वजह से मेरी माँ व्हीलचेयर पर बैठी है, बाप कब्र में जा लेटा है। अगर आपकी वजह से मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। बस, और कुछ नहीं कहना। बोल लो। आज अपने अंदर की सारी बढ़ास निकाल लो ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए। मेरी जिंदगी में बेसकूनी भी आप ही की वजह से। मत आए मेरे घर, मुझे ऐसी गुर्बत नहीं चाहिए जिसकी वजह से हम सब खतरे में पड़ जाएं। एक गैर लड़की के खातिर आपने हम सबको मुश्किल में डाल दिया। आप यहां से चली क्यों नहीं जाती हैं? मेरे यहां से चले जाने से तुम्हें सुकून मिल जाएगा? पता नहीं। तो क्या पता है तुम्हें? सब पता है, मुझे बच्ची नहीं हूं मैं। बच्ची हो तुम, क्या जानती हो जमाने के बारे में? मुझे आपसे कोई बहस नहीं। करो बहस, इख्तलाफ करो, लेकिन आइंदा मुझसे बदतमीजी ना करो। आपसे कभी बहस करने की इजाजत नहीं, नहीं। इख्तलाफ तो बहुत दूर की बात है। आज मैं तुम्हें हर सही काम करने की इजाजत देती हूँ। सही और गलत का फैसला कौन करेगा? टाइम क्या हुआ? रात के 2 बजने वाले। वक्त करता है सही और गलत का फैसला। कैसे? हकीकत को इनकार करने वाला कोई बेवकूफ ही हो सकता है। रात के 2 बजने वाले हैं, तुम्हारे साथ साथ इस बात को मैं भी मान रही हूँ, क्योंकि यही हकीकत है।
और ये भी हकीकत है कि मैं तुमसे उम्र में और तजुर्बे में बड़ी हूँ। जाओ यहाँ से। तुम्हारे घर भी? मैं नुकसान तो नहीं पहुंचा? मैं आलम से शादी क्यों कर लूं? क्योंकि तुम भी उससे मोहब्बत करती हो। नहीं, मैं नहीं करती आलम से मोहब्बत। मुझे लुगत की बातें ना बताओ, अंदर की बात बताओ। अंदर की बात? हाँ, अंदर की बात। अपने पास से कोई अफसाना ना सुना। अफसाना नहीं, हकीकत। कौन सी हकीकत? वही हकीकत ना जिसे तुम छुपाना चाह रहे हो। बात ये कि शौकत की पुश्त पर इलाके की एक सियासी शख्सियत सरदार खान का हाथ है और रात भी सरदार खान के कहने पर मुझे शौकत को छोड़ना पड़ा।